Mam. अरे वह बेटी की तरफ से तो सुबह सुबह की शुरुआत हो गई हमारी 5:30 बजे से। तो सबसे पहले उठ के लगाते हैं बाहर झाड़ू, तो झाड़ू भी मैंने लगा ली है। और फिर उसके बाद डालते हैं ओरेन, तो ओरेन अभी मैंने बंद किया था, तबीयत ख़राब थी तो आज मैंने डाल ली है ओरेन। और जिस दिन व्रत रखती हूँ उस दिन तो डालती हूँ, नहीं तो पहले हर रोज़ डालती थी, लेकिन अब कभी कभार डालते हैं। और बाहर देखिए चिड़ियों की चहचहाहट। और सुबह उठते हैं तो सबसे पहले तुलसी मैया के दर्शन होते हैं। और आज मैंने तोरण भी बना लिया था तो वो भी लगा दिया। हेलो, आप सभी को मेरी ओर से प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल श्रवण माहे के प्रथम सोमवार की। मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों को। और सावन का महीना चल रहा है तो देखिए चारों तरफ हरा भरा हो गया है। और बहुत दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी, तबीयत खराब थी, इसलिए तो आज बना रही हूँ कम से कम 2-3 महीने के बाद। तो आ जाइए आप सब लोग मेरे वीडियो में। तो देखिए बारिश भी आ रही है, अभी बहुत दिनों से बारिश नहीं हो रही थी और बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी, बहुत तेज़ धूप निकल रही थी। तो बहुत दिनों के बाद आई है बारिश। और आज का ब्लॉग हो रहा है शुरू 1 बजे से। और सुबह से पूजा पाठ किया मैंने और मेहमान ने बनाया टिफिन, तो वीडियो नहीं बना पाए तो अब बना रहे हैं। तो आप लोग बने रहे हमारे वीडियो में। देखिए कैसे बादल आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश आएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं। हर शाम को बादल आ जाते हैं और पूरे दिन बहुत तेज़ धूप रहती है, तो लाइट भी परेशान कर रही है बहुत ज़्यादा। तो हम तो बस बाहर यहीं पे बैठे रहते हैं। तो देखिए इधर तो अभी तो ठंडी ठंडी हवा भी आ रही है और बारिश। और इस आम में हमारे 2 आम बचे हैं और पूरे आम पक गए हैं। और इस वाले आम में अभी लगे हैं, एक तो कच्चा है अभी पका भी नहीं है, तो पता नहीं शायद 1 महीने के बाद ही पकेगा। देखिए आ गई है बारिश और बादल भी आ गया है बहुत ज़्यादा। तो देखते हैं कितनी बारिश होती है। अभी कम से कम 10-15 दिन से तो बारिश हो ही नहीं रही है और तेज़ धूप निकल रही है और लाइट भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, तो गर्मी पड़ रही है बहुत ज़्यादा। और आज मैंने भी पहन ली सावन माह की हरी हरी चूड़ियाँ। और अभी थोड़ी बारिश आई थी, लेकिन अब मौसम देखिए बन रहा है पूरे में बादल एक जैसा हो गया है। और अभी एक साइड से उजाला था, एक साइड से अंधेरा, तो निकल गया था पानी, लेकिन अब लग रहा है कि हर तरफ एक सा बराबर पानी आएगा। और गर्मियों में इधर बस हरा हरा था, ये धुंधली लगी थी और बरसें और हर जगह सूखा सूखा लगता था, लेकिन अब देखिए चारों तरफ हरा भरा। और मिट्टी वाली किचन की हालत तो देख ही सकते हैं कैसे हो गया है, पूरे में पानी पानी। तो अभी नहीं बना रहे हैं मिट्टी के चूल्हे से खाना। इधर भी देखिए कैसी बारिश हो रही है। और मैं अभी अभी इधर गड्ढी करके गई थी कि फूल लगाने, गेंदा के छोटे छोटे पौधे आए हैं तो वो लगा देंगे और सुबह से हवन के। लेकिन मैंने पेड़ निकाल ही नहीं पाए दूसरी जगह से और बारिश आ गई। और इधर काफ़ी तो बहुत ज़्यादा लगे हैं फूल, फूलों के पौधे, लेकिन अगर घर में पूजा करनी पड़ती है तो उधर ही जाना पड़ता है घर में। और सुबह कहाँ खुलते हैं बहुत अच्छे अच्छे फूल।
के जब मंदिर जाते हैं तो ही तोड़ के लाते हैं, वो ढंग लगा देंगे तो बस जब मन किया तब तोड़ देंगे। अरे देखिए हमारी तुलसी मैया लहर 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 आए गए मेरे आंगन की तुलसी, कैसे लहरा रही हूँ। और कल ही मैंने घर की लिपाई पुताई की थी, देखिए आज बारिश हो गई तो पूरी नदी गीला हो गया, लिपाई पुताई तो रह ही नहीं जाती, पूरा धुल जाता है। लेकिन कल पूर्णिमा थी तो मैंने लिपाई कर दी थी और सुबह रंगी डाली थी तो इधर भी पानी गिरता है, पूरा खराब हो जाता है। तो मोटा बेबी गिरा में लाइट फ्रिज में रख देते, नहीं हो इतना ख्याल रखा तुम्हारा बेटा दूर रह गए। व्रत को पता चलो उन्होंने नारियल पानी भिजवा था, कम नहीं तो आपकी बारी में ले पी ली। नहीं पीना पसंद नहीं है, अब अभी तो नहीं है पसंद है, लेकिन पीने पर नहीं बरत रखे सो। आज इस नारियल में बहुत कम पानी निकला है, नहीं तो एक गिलास तो निकलता ही है, और थे तो मैंने इससे नहीं पिया है, लोटा में निकाल के फिर गिलास से पिया है। वैसे भी मुझे नारियल पानी अच्छा नहीं लगता, लेकिन सेहत के लिए अच्छा होता है, और मेरी तबीयत भी ख़राब रहती है, फिर भी सब लोग बोलते तो भी नहीं पीते हम। लेकिन मेरा बेटा मेरे पास नहीं है, बहुत दूर है, तो वहाँ से उसका फ़ोन आया और उससे पता चला कि आज हमारा व्रत है, तो उसने नारियल पानी भिजवा दिया किसी, तो अब तो पीना पड़ेगा ही, अब ऐसे भी कम है तो थोड़ा थोड़ा करके पी लेंगे। और 16 सोमवार के व्रत में वैसे भी कुछ नहीं खाते हैं, सिर्फ सुबह चाय पी थी मैंने, और तबीयत ख़राब रहती है तो कम से कम 2-3 साल के बाद मैं व्रत रख रही हूँ, तो चक्कर चक्कर से लग रहे हैं, तो इसलिए मैं नारियल पानी पी रही हूँ, नहीं तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और फिर उसके बाद करेंगे पूजा की तैयारी, सुबह तो मैंने कर ली थी, मंदिर भी गए थे, और अब शाम को करेंगे तो 3 बाटियाँ बनाएंगे बहुत बड़ी बड़ी, और फिर उसके बाद करेंगे पूजा। लाइट बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, और गर्मी भी है, बारिश हुई थी तो बंद हो गई है, और गर्मी में कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बारिश के बाद थोड़ी सी ठंडा खा जाए, लेकिन नहीं, तो मैंने थोड़ा थोड़ा करके नारियल पानी भी पी लिया है, इच्छा तो बिल्कुल भी नहीं हो रही थी, और वैसे भी मैंने चाय भी बंद कर दी है, सुबह नहीं पीते हैं चाय, तो एक बार मैंने व्रत की वजह से पी ली थी, क्योंकि कुछ खाना नहीं है तो सबको ऐसा लगता है कहीं फिर से तबीयत खराब ना हो जाए, इसलिए मैंने चाय भी पी ली थी सुबह, और पानी भी पी रही हूँ थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि जब तबीयत खराब होती तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो बाटियाँ बना ली हैं, आप इनको सेकेंगे चूल्हे पे,
भी हो गई है। तो पूजा की तैयारी भी हो गई है हमारी और प्रसाद भी बन गया है, तो बस अब करेंगे हम पूजा और फिर उसके बाद जाएंगे मंदिर दिया जलाने। तो मिलते हैं पूजा करने के बाद। तो पूजा भी कर ली है मैंने, अब जाएंगे मंदिर। और मंदिर भी ये रहा, इसके पीछे शिव जी का मंदिर है। और वहाँ तो नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि सब लोग हैं। तो अब जा रहे हैं मंदिर दिया जलाने और फिर आके खोलेंगे पांडे अपने। तो तीन बाटियाँ बनाई थी, तो एक गाय को खिलाएंगे, एक हम खाएंगे और एक कन्या को जलाएंगे। तो मंदिर से भी आ गए हैं हम और इधर तुलसाने की भी संध्या कर दी है मैंने। अब थोड़ी देर के बाद हो गई मंदिर की। और इधर से भी भगवान उठा के रख दिए हैं मैंने। तो आज के लिए इतना ही। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलूंगी अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे, जय गौ माता।